हेलो दोस्तों, मैं अनुप यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम क्लासेज शुरू कर रहे थे, हमारा महत्वपूर्ण दिवस और उनकी जानकारी, इनकी लगभग हमारी 3 क्लासेज हो चुकी है। और यदि आपने इनकी वो जो पहली वाली क्लासेज नहीं देखी है, तो हम उन क्लासों को अपने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों देखो, अगर आप कोई भी जो भी जानकारी लेते हो ना, उसकी पूरी डिटेल पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे ना, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कि आजकल किस जो पेपर आता है ना, वो इतना आसान पेपर नहीं आता कि भाई आप ऊपर ऊपर का पढ़ लिया और उसमें आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। नहीं भाई, आजकल कोई भी जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो उसकी पूरी जानकारी जरूरी है। तो देखो, इसमें हम महत्वपूर्ण दिवस में उसके साथ है जो जानकारी दे रहे हैं, ये एक बहुत ही अहम बात होती है। तो चलो, ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको सबसे पहले तो एक बात बता दूँ कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, व्यू ज़्यादा जा रहे हैं, सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, तो कृपया करके एक बार सब्सक्राइब करें। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम जुलाई महीने के शुरू करते हैं। सबसे पहले है चिकित्सक दिवस। भाई, चिकित्सक दिवस की बात कर लें, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है भाई 1 जुलाई को। और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई विधान चंद्र राय की स्मृति में। ये भारत के सबसे बड़े या बहुत ही बड़े एक चिकित्सक थे, तो इनकी स्मृति में मनाया जाता है भाई 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, तो ध्यान रखना भाई। उसके बाद देखो, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? देखो, सबसे पहले जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो बताते हैं कि 11 जुलाई 1987 को जो विश्व है ना, इसकी जो जनसंख्या है वो 5 अरब हो गई थी। विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब। और 1989 से फिर ये विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष से बनाया जाता है। देखो, इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है कि भाई वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, तो लगभग 8.5-7 अरब जनसंख्या है विश्व की। ठीक, इसमें आपको सभी पता होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? चीन की, लगभग 19%। भारत दूसरे नंबर पर है, भारत की है लगभग 17%। ये दो ही देश है जो लगभग अपने पूरे विश्व की लगभग 37% जनसंख्या इन दोनों देशों में ही है। तो ये के सबसे ज़्यादा नुकसान की बात ये है कि भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और इस पर कोई भी सरकार कानून नहीं बना पा रही। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है, अगर ये जनसंख्या ऐसे निरंतर बढ़ती गई तो एक दिन बहुत बड़ा संकट भारत देश पर आने वाला है। तो देखो, याद रखना भाई इसके बारे में, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस से बनाया जाता है। उसके बाद हम और बात कर लें, एक 22 जुलाई है। 22 जुलाई अगर आपको पता हो, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 22 जुलाई 1947। क्या हुआ था भाई 22 जुलाई 1947 को? हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। भाई, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अब देखो, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज। क्वेश्चन आता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भाई पिंगली वेंकैया ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, जो 3 रंग का। इसका अनुपात कई बार पूछ लेता है, तो देखो अनुपात पूछता है ना, तो वो खुद देखेगा कि लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो हमें सीधा 3 और 2, अगर उसने डायरेक्ट पूछ लिया भाई राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, या सीधा पूछ लिया भाई राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात कितना है, तो भाई 3:2। अगर वो चौड़ाई पहले देता है तो हमें क्या करना होगा? 2:3 करना होगा। ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बीच में लेना पड़ा। अगला जो है वो है आयकर दिवस। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को मनाया जाता है भाई आयकर दिवस, यानी टैक्स के से रिलेटेड है भाई आयकर दिवस। इसमें आता है भाई CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी भाई CBDT की स्थापना। और ये ध्यान रखना भाई, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये है भाई नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ए डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद एक लास्ट रह जाता है जुलाई के महीने का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? कारगिल दिवस। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल दिवस आपको पता होगा कि भारत व पाक के बीच में एक युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध 1999 में, इसमें भारत की जीत हुई थी। इसमें पूछ लेता है ऑपरेशन कौन सा था, तो भाई ऑपरेशन था वो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन है विजय, कई बार पूछ लेता ऑपरेशन विजय का संबंध किससे, तो ऑपरेशन विजय का संबंध है कारगिल युद्ध से है। लेकिन एक और ऑपरेशन विजय है, ध्यान रखना, 1961 में गोवा को आजादी मिली थी, किससे? पुर्तगालियों से। गोवा को जो आजादी मिली थी पुर्तगालियों, किस ऑपरेशन के तहत मिला था? तो ऑपरेशन विजय, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये थी जुलाई महीने की। अब जुलाई के बाद हमें अगस्त महीने की करंट, ये जो महत्वपूर्ण दिवस है ये करते हैं भाई। देखो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अगस्त महीने की जो प्रमुख दिवस है। सबसे पहले विश्व स्तनपान दिवस, 3 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। तो देखो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्तनपान को, जो माँ के द्वारा बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं स्तनपान। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो दूध पर बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई, दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो याद रखना, दूध में लैक्टोज नामक शर्करा होती है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज शर्करा एकमात्र ऐसी शर्करा है जो किसी पेड़ पौधे में नहीं पाई जाती। किस में पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है। अब देखो दूध से और क्वेश्चन आता है भाई, दूध का सफेद रंग, तो भाई दूध का सफेद रंग होता है वो केसिन के कारण होता है, और दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है भाई? एक कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण भाई दूध का पीला रंग होता है। दूध से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4 पीएच मान होता है भाई। दूध का पीएच मान पूछ ले तो 6.4 पीएच मान होता है। ठीक, उसके बाद आगे बात करें कि विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस के बारे में बात कर लें, तो देखो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। तो देखो आदिवासी यानी देखो एसटी, आपने देखा होगा एक होता है एससी और एक होता है एसटी। एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, और एससी को बोलते हैं भाई अनुसूचित जाति। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को इसमें दिक्कत आ जाती है भाई, एससी और एसटी में दिक्कत आ जाती है। एक बात का ध्यान रखना, एसटी वे लोग होते हैं जिनका अपना कोई निवास स्थान फिक्स नहीं होता है, वो घुमंतू प्रजाति के बराबर होते हैं। तो एसटी याद रखना, भारत में जो एसटी है लगभग 8.2% है, और एससी की बात कर लें ये लगभग इनसे डबल यानी 16.8% एससी है भाई। अब देखो एससी और एसटी की बात करें कि सबसे ज़्यादा एससी के लोग कहाँ पर हैं, तो याद रखना सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या में कहाँ पर है, तो वो है भाई यूपी में। एससी ध्यान रखना, एससी अनुसूचित जाति कहाँ पर है, तो यूपी में। प्रतिशत में पूछ ले पंजाब में भाई सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ पर है, पंजाब में। एसटी की बात करें तो एसटी देखो सबसे ज़्यादा एसटी वो है भाई मध्य प्रदेश में, यानी जनसंख्या में कहाँ पर है भाई, मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वन है और वनों में रहते हैं एसटी। लेकिन प्रतिशत में पूछ ले तो प्रतिशत में क्या बताना है भाई हमें, मिजोरम राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं भाई। ठीक, उसके बाद जो अगला दिवस आता है हमारा, थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या इस वीडियो को थोड़ा सा धीरे चला के आप अपना अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना लिया करो भाई, कि जीके मैंने शुरू में बताया था, जीके याद करने से नहीं, लिख लिख कर देखने से याद होगी भाई। उसके बाद अगला आता है विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ध्यान रखना, अभी जो फर्स्ट में बताया था एक 12 जनवरी, वो क्या है, वो है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ ले तो राष्ट्रीय युवा दिवस है भाई 12 जनवरी को। लेकिन ये विश्व युवा दिवस, विश्व के लोगों या युवाओं को जागरूक करने के लिए एक दिवस बनाया जाता है 12 अगस्त। ऐसे क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं भाई, इनको ध्यान रखना भाई। विश्व युवा दिवस है 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी।
उसके बाद आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर लें, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भाई राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। भाई अब इसमें देखो क्यों मनाया जाता है, भाई मेजर ध्यानचंद की समृति में, मेजर ध्यानचंद की समृति में मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है भाई राष्ट्रीय खेल दिवस। अब देखो ये मेजर ध्यानचंद, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि हॉकी के जादूगर के नाम से जानते थे। दोस्तों देखो किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे बहुत अधिक असफलता और मेहनत होती है। भाई देखो मेहनत के बिना कुछ नहीं है। बताते हैं कि इस व्यक्ति ने चांद की रोशनी में अपनी मेहनत की थी, खेलता था भाई रातों रात, पूरी रात चांद के चांद जो उसमें प्रकाश में ये खेलता था, इसलिए इसका नाम फिर ध्यानचंद रखा गया। देखो इसने भारत को कोई बहुत अधिक ओलंपिक में मेडल भी दिलाए थे, भाई बहुत अधिक ओलंपिक में मेडल दिलाए थे। अब देखो 29 अगस्त को प्रत्येक 29 अगस्त को एक पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा, तो भाई वो है खेल दिवस, या खेल दिवस नहीं खेल पुरस्कार, या उसको बोलते हैं राजीव गांधी, पूरा नाम पूछ ले तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये पुरस्कार अगर पूछ ले 2019 में किसको दिया है, तो 2019 में दिया है भाई बजरंग पुनिया। और एक और है इसके साथ है, कौन है भाई वो, एक और का देखो फिलहाल तो नाम ध्यान नहीं आ रहा। देखो 2019 का जो मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वो मिला है भाई बजरंग पुनिया के साथ है। एक है भाई दीपा मलिक, ठीक दीपा मलिक को मिला है। तो ये प्रत्येक वर्ष कब को कब दिया जाता है भाई, राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाता है 29 अगस्त को। चलो ठीक, अब अगस्त के बाद हमें बात करते हैं सितंबर महीने की भाई। तो देखो हम अब बात करते हैं भाई सितंबर महीने के जो प्रमुख दिवस है उनकी। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है भाई 5 सितंबर को, किसके उपलक्ष में, तो भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है भाई शिक्षक दिवस। ठीक टीचर्स डे मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में। देखो इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है भाई, भारत का पहला व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था, देखो क्या सिस्टम है भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी लेकिन ये 3 व्यक्तियों को मिला था एक साथ। तो फिर इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम क्यों आता है, क्योंकि इसको सबसे पहले दिया गया था। एक तो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा मैंने बताया था सीवी रमन जो भौतिकी के साइंटिस्ट यानी फिजिक्स के जो साइंटिस्ट है उनको, नंबर 3 पे बात कर ले तो सी राज गोपालाचारी को भी क्या मिला था, भारत रत्न मिला था सबसे पहले। उसके बाद हम देखो इसको सबसे पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। आगे बात करते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस से क्वेश्चन बहुत अधिक बार आते हैं। आपको बता दूं कि जनगणना होती है उससे क्वेश्चन हमेशा एकाधे पूछता रहता है, चाहे हरियाणा की जनगणना पूछो चाहे पूछो पूरे देश की जनगणना। तो देखो साक्षरता दिवस में बात कर ले तो देखो सबसे पहला आता है साक्षरता दिवस में कि भारत की साक्षरता दर कितनी है भाई, तो भारत की साक्षरता दर वो है भाई 74.04%, 74.04%। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई सब्सक्राइब करे, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई। पुरुष साक्षरता पूछ ले तो पुरुष साक्षरता है भाई 82.14%, यानी 82.14%। उसके बाद अगर पूछ ले महिला साक्षर, तो भाई महिला साक्षर अगर पूछ रहा है तो वो बता देना भाई 65.60
परसेंट में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये 74.04% इंपॉर्टेंट है, 74.04% इसके बारे में याद रखना भाई। भारत की साक्षरता दर कितनी है तो भाई 74.04% है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 10 जनवरी को। ठीक, इस पे सम्मेलन भी शुरू हुआ था 1975 में। पहला हिंदी दिवस सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया था? तो वो मनाया गया था भाई नागपुर में, नागपुर में मनाया गया था। ठीक, नागपुर में मनाया गया था पहला हिंदी सम्मेलन। ठीक, अगर पूछ ले 2020 का कहाँ पर बनाया जाएगा, 2020 का बनाया जाएगा भाई देवास में। देवास की तय, तो देवास है भाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के देवास में बनाया जाएगा 2020 का जो दिवस से बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना भाई इसके बारे में हिंदी दिवस। और एक बात का ध्यान रखना कि 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा मत करना गलती से भी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है भाई? राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो 14 सितंबर 1949 को हमारी राजभाषा घोषित की गई थी भाई हिंदी को, इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। आगे बात कर ले, 14 सितंबर के बाद आगे आता है 16 सितंबर, और ओजोन परत या ओजोन परत के लिए बनाया जाता है एक ओजोन परत या दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक, 16 सितंबर को क्या है भाई ओजोन परत? आपने जो वायुमंडल की परत पढ़ी होगी उसमें एक मंडल है समताप मंडल, में एसआई लेवल का क्वेश्चन है कि भाई समताप जो परत है हमारी, समताप परत है वायुमंडल की, उसी में पाई जाती है ओजोन परत। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है O3 इसका फार्मूला है। कई बार पूछ लेता है भाई ओजोन परत का रंग कितना है, कैसा है? तो इसका रंग है भाई हल्का नीला रंग है। इसमें गंध कैसी आती? तो सड़ी हुई मछली जैसी, सड़ी हुई मछली जैसी भाई, सड़ी हुई मछली जैसी इसमें गंध आती है। देखो ये जो ओजोन परत है ना, ये हमें किससे बचाती है? तो हमें बचाती है भाई पराबैंगनी विकिरणों से, पराबैंगनी विकिरणों से, पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है भाई हमें जो ओजोन परत है वो। ठीक, एक क्वेश्चन आता है भाई जो ओजोन परत है इसको हानि कौन सी गैस पहुंचा रही है? तो इसको हानि पहुंचा रही है भाई CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस इसको हानि पहुंचा रही है। और एक लास्ट है आज का, वो है भाई विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस की बात कर ले तो देखो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तरह एक मैंने शुरू में बताया था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और भाई राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बताया था 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपने सुना होगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी WTO, WTO के अगर स्थापना पूछ ले तो WTO की स्थापना 27 सितंबर 1975 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है भाई? इसका हेडक्वार्टर तो मैड्रिड में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? मैड्रिड में। ठीक, तो ये था सितंबर महीने का जो अपना महत्वपूर्ण दिवस। देखो दोस्तों, आप इनको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप अगर सहयोग करोगे तो हम रेगुलर ऐसी प्रतिदिन ऐसी आपको क्लासें प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ हम आपको हरियाणा जीके और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी पूरे सहायता की जाएगी, लेकिन आप हमारी सहायता करें, हमारा सहयोग करें। ठीक, तो थैंक यू।